नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीधी मजौरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत दादर में बहुत तेज हवा और पानी आने से मुगिनी साहूपति, भैया लाल साहू ग्राम चंदोही डोल से, सोनू साहूपति, कुलदीप साहू ग्राम पंचायत मुडेडिया से और सूरज गुप्ता पिता राम लखन गुप्ता ग्राम पंचायत सदर से मुगिनी साहू अपनी बकरी और सूरज गुप्ता अपनी भैंस चरा रहे थे। अचानक बहुत तेज हवा और पानी आने से वहीं पास में पीपल का पेड़ के नीचे सूरज गुप्ता, मुगिनी साहू और उनके साथी खड़े हो गए। अचानक से पीपल के पेड़ में बिजली गिरने से मुगिनी साहू और सूरज गुप्ता बिजली की चपेट में आ गए। वहीं पास में 500 मीटर की दूरी पर घर में सोनू साहू बैठी थी, वो भी बिजली की चपेट में आ गिरी। बताया जा रहा है कि सोनू साहू अपने रिलेशन में मुडेरिया से दादर आए थे। जैसे ही बिजली गिरी तो मौके में इनके साथ ही लोग हल्ला गुहार की, गांव के लोग पहुंचे, फिर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मुगिनी साहू की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ग्रामीण लोगों के द्वारा मझौली तहसीलदार को जानकारी दी गई। वहीं मौके पर तहसीलदार सुषमा रावत पहुंची, उनका स्वास्थ्य जाना और उनके उपचार के लिए अच्छे से अच्छा कराने के लिए कहा। आइए सुनाते हैं पीड़ित का बयान। अपने का नाम है? सूरज कुमार गुप्ता। कल कैसे कैसे अपने ऊपर एक घटना घटी? भैंसी लेके भैंसी चरा रहे, एक पीपल के झाड़ रहा तो पीपल के झाड़ में अचानक बिजली गिरी। तो बिजली के गिरे के कारण गलता से लोग ज्यादा चोट आई, संयोग रहा भगवान की कृपा रही तो बच गया। नल चल गए। कई जन रहन? 5 जन रहे। का करा रहे सबके? सब हम भैंसी ले रहे हैं, एक जन महिला रही तो बकरी ले रही। कहाँ गए यहीं? हमारे घर के 500 मीटर आगे गाँव में वो मिट गया। अच्छा, उनके कितना चोट आई? उनका पूरा शरीर है जल गया। अच्छा, कई जन के हैं? एक जन वो महिला के। का नाम उनका? मोहनी साहू। पति? पति भैया लाल साहब। और दूसर? एक जन है वो है पीपर के झाड़ के पास है, मत 200 मीटर घर है, सुरेश साहू नाम है, चाचा जी हैं, तो उन्हें चाचा बोली थे हम, उन्हें के भैन पतोहू के अचानक उन्होंने बिजली लगी है तो उनका चक्कर मार दे रहा अंदर है। उन्होंने ट्रीटमेंट चालू है, बेहोश हो गए हैं, पूरी रात बेहोश रहे हैं, सुबह तक होश आ गया है, इसने कुछ बोले वोले लागे। जानकारी कही कही दी है? जानकारी हुई अपने यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच तक मिली रही है और बाकी हम पहुँचाए लाए विषय है, क्यों नहीं आया है ना, पूरा हाथ झूल है, पूरा रूज पड़ा है। अच्छा, प्रशासन से जानकारी दी है? नहीं, प्रशासन का हम तो जानकारी नहीं दे पाए, पर वो उप सरपंच रोहित मिश्रा हैं, वो इन प्रशासन की जानकारी दी तो हमारे यहाँ घर में तहसीलदार साहब मान लीजिए आए हैं। क्या कहें तहसीलदार साहब? सब जानकारी दी, लिख के और लेकिन चले जानकारी दी। कुछ और कहीं मदद करेंगे? नहीं जी, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है।